अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ये जो व्यू आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, दिस व्यू इन रियलिटी इज़ ब्रेथ टेकिंग, सिंपली ब्रेथ टेकिंग। इतना सेरीन इन्वायरमेंट था यहाँ का, तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस अमेजिंग ब्यूटिफुल कामिंग प्लेस पर लेकर चलते हैं। हेलो, ये हम, ये पापा, ये मम्मा, ये पापा। हेलो, ये हमें, ये पापा, ये मम्मा, ये पापा। हेलो, ये हमें, ये पापा। हेलो, मैं, ये पापा, ये मम्मा। हेलो, मैं अयों, ये पापा। हेलो, अयों मैं। चलिए चलिए चलिए, गाड़ी स्टार्ट हो गया है ना, एक जगह बैठ जाए। तेज गाड़ी। आयान, हम कहाँ जा रहे हैं? पानी पे। मैं देख रही हूँ ईमान। बाबू को बताए माँ मछियाँ कर लिए। बाबू माँ मछियाँ कर लिया। ईमान गाड़ी में बैठते ही उसको भूख और प्यास दोनों लग जाती है। वो गाड़ी में बच्चे बैठते पानी और दूध मांगते हैं, तो मैं गलती से जो फीडर है वो तैयार करके टेबल पे रखा हुआ था और मैं उसको उठाना ही भूल गई, तो यहाँ वो रो रही थी यही कि आप फीडर नहीं मेरा लाई। और अयान वाज लाइक इंटेरोगेटिंग मी कि मामा आप फीडर क्यों नहीं लाएँ। उसके बाद मैं आपको शूज़ पहनाती हूँ। बाबा तो आ लेने दो, जिशान पीछे से वो डिक्की खुली है। और यहाँ आप व्यू देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी दूर है बहुत, हम लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे जाऊँगी तो मैं साथ साथ वीडियो बनाती भी जाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही उन्होंने क्लीन और क्लियर ये पूरा बीच रखा हुआ है। एंड यू कैन सी, कोई आपको यहाँ लिटरिंग नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगी। थोड़ी बहुत जो होती है वो साथ ही जो इंतज़ामिया यहाँ पर होती है उसको जो है वो क्लियर कर देती है। आयान और ईमान बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा पानी अच्छा लगता है, समंदर, बीच। आई थिंक इस एज के सारे जो बच्चे होते हैं उनको पानी वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो वॉशरूम में जाके टैप खोलना हो या समंदर पर, बीच पर जाकर उन्हें खेलना हो पानी के साथ। अब ये माशाल्लाह आप व्यूज़ चेक करें, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, इतने खूबसूरत सीन्स हैं। यहाँ पर आप बैठ के इतना रिलैक्स्ड फील करते हो। अगर आपको बुक अच्छा लगती है पढ़ना तो यहाँ बैठ कर आप बुक पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ये था कि रोज़ा खुलने वाला था बिकॉज़ ये रोज़ों में शूट हुई थी, तो मुझे ये था कि यहाँ बैठ कर नमाज़ पढ़ने का, रोज़ा खोलने का एक अपना मज़ा है। इतना पुरसकून माहौल और यही चाहिए होता है आपको, ये चीज़ें आपको बड़ा अच्छे से अल्लाह से कनेक्ट करती हैं। विद द पैसेज ऑफ अ टाइम हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि जितने भी इनके पिकनिक पॉइंट्स हैं लाइक बीच हो गए, पार्क्स हो गए, ये बहरीनी, ये अरेबिक पीपल जो हैं ये अपना खाना घर से लेकर आते हैं और इनके पास कहवास भी होते हैं और वो यहाँ बैठ कर जितने भी इनके पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ बैठ कर ये लोग खाना खाते हैं। और ये आपको आम हर रोज़ मिलेगा, ये नहीं कि स्पेसिफिक वीकेंड्स पे नज़र आएंगे, आप किसी भी रैंडम डे चले जाएं तो आपको जगह जो है काफ़ी भरी हुई और रश मिलेगा। अभी इतना रश नहीं था शायद इसलिए कि रोज़ा खुलने वाला था या कोरोना की वजह से, मतलब बाद में जब हम लोग यहाँ पर गए तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ रश नज़र आएगा।
नहीं जाना नहीं। क्यों? अब कपड़े लेने गए हैं। ये मम्मा पास बैठे। चलो कपड़े चेंज करो आपके। बस बस करो। इतना ज़्यादा कामिंग ये सारा इन्वायरमेंट था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। आई वॉज़ फीलिंग वेरी रिलैक्स। और ये पानी की जो आवाज़ है, इनफैक्ट इसको आप म्यूज़िक कहें, अल्लाह पाक का कुदरती ये जो अल्लाह पाक ने म्यूज़िक बनाया है, ये इस कदर आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपको पुरसकून करते हैं। मैं काफ़ी देर इस जगह पे बैठी रही और मैं काफ़ी देर बस ये आवाज़ सुनती रही, बिकॉज़ आपको बहुत कम होता है कि बीच पर आपको इतने कम लोग मिलें और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट मिलें, क्योंकि बीचेस पे मोस्टली बहुत रश होता है। आगे जब भी हम कभी गए हैं, हमें कभी भी इस तरह से पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिला जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। और जो सूरज ग़ुरूब होने का मंज़र होता है, वो तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही एक दिल फरेब मंज़र होता है और बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप को।